जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है उसका लक्ष्य भी यही है कि देश का हर युवा खुद को जान सके, अपने मन को टटोल सके, नर्सरी से लेकर के पीएचडी तक आमूलचूल परिवर्तन इसी संकल्प के साथ किए गए। कोशिश ये है कि पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे स्टूडेंट्स में एक बहुत बड़ी आवश्यकता होनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आता है जब अपने लिए निर्णय लेने की उसको थोड़ी आजादी मिले, उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिले, बंधनों में जकड़ा हुआ शरीर और खांचे में डला हुआ दिमाग कभी प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। याद रखिए, समाज में ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो परिवर्तन का विरोध करते हैं। वो विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि वो पुराने ढांचे के टूटने से डरते हैं। उनको लगता है कि परिवर्तन सिर्फ डिसरप्शन लाता है, डिसकंटिन्यूटी लाता है। वो नए निर्माण की संभावनाओं पर विचार नहीं करते। आप युवा साथियों को ऐसे हर डर से खुद को बाहर निकाल सकते हैं और इसलिए मेरा लखनऊ यूनिवर्सिटी आप सभी टीचर्स, आप सभी युवा साथियों से यही आग्रह रहेगा कि इन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आप खूब चर्चा करें, मंथन करें, बात करें, विवाद करें, संवाद करें। इसके तेजी से अमलीकरण पर पूरी शक्ति के साथ काम करें। देश जब आजादी के 75 वर्ष पूरे करेगा तब तक नई शिक्षा नीति व्यापक रूप से लेटर एंड स्पिरिट में हमारे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बने। आइए वयम राष्ट्रे जागरयाम पुरोहिता, आइए वयम राष्ट्रे जागरयाम पुरोहिता, इस उद्घोष को साकार करने के लिए जुट जाए। आइए हम मां भारत के वैभव के लिए अपने हर प्रण को अपने कर्मों से पूरा करें।